दवा विक्रेता समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भलोटिया मार्केट में मंगलवार को वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जिला एवं स्वास्थ्य प्रशासन ने दवा विक्रेताओं को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया। इस दौरान दवा विक्रेताओं को पहला डोज, दूसरा डोज एवं बूस्टर डोज तीनों मिलाकर 170 लोगों को वैक्सीन लगाया गया, जिसमें कोविशील्ड का फर्स्ट डोज 15 लोगों को, सेकेंड डोज 16 लोगों को तथा बूस्टर डोज 69 लोगों को तथा कोवैक्सीन का पहला डोज 12 लोगों को, दूसरा डोज 6 लोगों को तथा बूस्टर डोज 52 लोगों को लगाया गया। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के महामंत्री आलोक चौरसिया, राजेश तुलस्यान, रोहित बंका, शैलेश तिवारी, मनोज गुप्ता, राजीव त्रिपाठी, पंकज शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, करने के लिए तुमको 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। जरूरी भी है, देखिए बूस्टर डोज पहुंचे, हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, कोरोना के दोनों फोटो मांगे है, वो तो ऐसे ही आ रहा है। बूस्टर डोज लग जाने के बाद क्या होगा, इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी, लगाना। मेरा नाम योगेंद्र नाथ दुबे है, दवा विक्रेता समिति का अध्यक्ष हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। हाँ, वैक्सीनेशन आज असल में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है, और चूंकि हमारे दवा विक्रेता वैसे भी फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं, पहली कोरोना दूसरी कोरोना काल में भी रेगुलर इन लोगों ने घर से निकलकर कार्य किया है, और अभी ओमिक्रॉन की जो स्थिति थी तो प्रदेश सरकार और देश सरकार के ड्रग कंट्रोलर का भी ये आया था कि ओमिक्रॉन के चलते या कोरोना की जो बीमारियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं तो आप लोग दवाओं का भंडारण की स्थिति रखिए। तो चूंकि दवा विक्रेताओं ने जो भी जरूरी दवाएँ हुई उसका भंडारण किया, कंपनियों से मंगा के रखा भी है, लेकिन चूंकि ये रेगुलर फील्ड में है, कोरोना की पहली काल से फील्ड में है, इस दिन बहुत दिनों से दवा विक्रेताओं की ये मांग भी थी कि हम लोगों ने अगर फर्स्ट सेकंड डोज लगा लिया है तो मुझे बूस्टर डोज की भी ज़रूरत है। तो शासन प्रशासन और जो जिला प्रशासन दोनों से वार्ता की गई, और वार्ता के पश्चात ये हुआ कि नहीं, दवा विक्रेताओं को जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगा है उनको फर्स्ट डोज लगेगा, जिसको सेकेंड डोज नहीं लगा है उसको सेकेंड डोज लगेगा, जिसको फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लग गई है तो कम से कम जो फ्रंट लाइन वर्कर में दवा विक्रेता आते हैं अगर 3 महीना हो गया है तो उनको बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा, और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लग रही है, और फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जिसको कोवैक्सीन लग गई है उसको कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लग रहा है, और जिसको कोविशील्ड फर्स्ट सेकेंड डोज लगा है उसको कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। और इसके लगाने के बाद क्या होगी, लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, और जब स्ट्रांग हो जाएगी तो और निर्भीक होके हमारे दवा विक्रेता काम कर सकेंगे, और इसके लिए हम शासन प्रशासन को, भारत सरकार के मोदी सरकार को और अपने प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो लगातार हम सभी के बारे में, आम जनता के बारे में सोच रहे हैं, और उसी क्रम में आज भलोटिया दवा मार्केट में कोरोना का एक कैंप लगा है, और सारे दवा विक्रेता भाइयों से ये अनुरोध किया गया, उनकी खुद की जागरूकता है, और सुबह से लगातार लाइन में लग के लोग कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवा रहे हैं और बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। जनपद वासियों और सभी दवा विक्रेताओं से मेरी अपील है कि अभी एक कैंप आगे भी चलेगा, कल परसों भी चलेगा, तो जिन लोगों को भी कोविशील्ड या फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लग पाया है वो भालोटिया मार्केट में आकर लगवा लें, और कोरोना अभी हमारे बीच है, अभी गया नहीं है, इसलिए उसकी जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और संभल के रहें।